ये कहानी है जॉर्डन नाम के ऐसे व्यक्ति की जिसको शेयर मार्केट का एक ऐसा सीक्रेट राज पता चल जाता है जिससे वो चंद महीनों में करोड़पति से करोड़पति बन जाता है। उसकी लाइफ एकदम से बदल जाती है। पहले जहां उसे छोटी छोटी नौकरियों के लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाना पड़ता था, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, लेकिन शेयर मार्केट ने उसे इतना पैसा दिया कि अब वो लोगों को नौकरी पर रखता था और वो भी खुद की कंपनी में, और पूरे मजे से जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा खतरनाक होता है जिससे उसका ये पैसे का गुमान चकनाचूर हो जाता है और उस पर मुसीबतों का मानो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है जिसको उसने सपने में भी नहीं सोचा था। चलिए जानते हैं कि आखिर करोड़पति से करोड़पति और फिर करोड़पति से करोड़पति जॉर्डन कैसे बन गया और उसके आगे क्या हुआ उसके साथ। तो कहानी की शुरुआत में हमें स्ट्रैटन ओकमोंट नाम की एक बड़ी स्टॉक ब्रोकर कंपनी को दिखाया जाता है जिसका मालिक जॉर्डन बेलफोर्ट है जो अपने ऑफिस के कर्मचारियों के साथ गेम खेल रहा होता है। जॉर्डन अपनी लाइफ काफी आराम से जी रहा होता है जिससे हमें पता चलता है कि उसके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी पैसा है। जॉर्डन अपनी लाइफ के इस मुकाम तक कैसे पहुंचा इस बारे में वो बताता है कि अमीर होने से पहले वो भी एक नॉर्मल इंसान ही था जिसका पूरा बचपन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में बीता था। जब वो 22 साल का था तब अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी में वॉल स्ट्रीट नाम की एक जगह पर पहुंचता है और उस समय उसकी एक वाइफ भी होती है जिसका नाम टेरेसा होता है। वॉल स्ट्रीट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। जॉर्डन वहां पहुंचकर रॉथचाइल्ड नाम की बैंकिंग फर्म में एक स्टॉक ब्रोकर की नौकरी ज्वाइन करता है जिसमें वो बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स और स्टॉक्स को बड़े बड़े बिजनेसमैन को खरीदवा कर उन्हें बेच देता है। जहां वो जॉब करता था वहां के बॉस का नाम मार्क होता है। जब जॉर्डन मार्क से मिलता है तो मार्क उसकी तारीफ करने लगता है क्योंकि उसने इंटरव्यू लेने वाले आदमी को ही शेयर्स बेच दिए थे। और आज की जॉब खत्म करने के बाद मार्क जॉर्डन को ड्रिंक के लिए लेकर जाता है। मार्क जॉर्डन को टिप्स देता है कि उन्हें तो बस बड़े बिजनेसमैन को अपनी बातों में फंसा कर उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर्स बेचना है जिससे उनको लगेगा कि वो और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन अमीर तो असल में हम होंगे क्योंकि उनके खरीदे हुए शेयर से हमें हमारा कमीशन मिल जाएगा। फिर हमें शेयर मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होना चाहिए। जिसके बाद मार्क जॉर्डन को कोकेन ट्राई करने को बोलता है ताकि उसका दिमाग इस काम में लगा रहे। अगले 6 महीनों तक जॉर्डन अपनी लाइफ बड़े ऐशो आराम से जी रहा था जिसके बाद एक दिन उसे स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस मिल जाता है और अब वो एक सर्टिफाइड स्टॉक ब्रोकर बन चुका था। लेकिन उसी दिन वॉल स्ट्रीट का माहौल बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है क्योंकि स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया था। जिस रॉथचाइल्ड में जॉर्डन काम कर रहा होता है वो फर्म 1 महीने के अंदर ही स्टॉक मार्केट क्रैश होने की वजह से तबाह हो जाती है और उसमें काम कर रहे जॉर्डन के साथ साथ बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है जिस वजह से उस पर पैसों की तंगी आन पड़ती है। इस पर उसकी वाइफ टेरेसा उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग बेचने को कहती है लेकिन जॉर्डन उसे मना कर न्यूज़पेपर में दूसरी टाइप्स की जॉब ढूंढने लगता है। टेरेसा उसको न्यूज़पेपर से स्टॉक ब्रोकर की ही जॉब ढूंढ कर दे देती है जो लॉन्ग आइलैंड नाम की जगह पर है। अगले दिन जॉर्डन इन्वेस्टर सेंटर नाम की फर्म पर पहुंचता है जहां जाकर जॉर्डन ड्वेन नाम के आदमी से मिलता है जो उसे अपनी फर्म के बारे में बताता है कि वो छोटी छोटी कंपनीज के शेयर बेचते हैं जिन्हें पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। इन शेयर्स को छोटे लोगों जैसे प्लमर, पोस्टमैन वगैरह खरीदते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि बड़े शेयर्स पर किसी को विश्वास नहीं होता क्योंकि उस समय स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो चुका था। लेकिन ड्वेन जब उसे कमीशन रेट के बारे में बताता है तो जॉर्डन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज एक शेयर में सिर्फ 1% कमीशन देती हैं, लेकिन इस फर्म में एक शेयर बेचने पर उसे 50% कमीशन मिलेगा। मतलब $10,000 के शेयर बेचने पर उसे $5,000 मिलेंगे। इस पर जॉर्डन वहां पर ज्वाइन कर अपना फोन घुमाकर स्टॉक बेचने का काम शुरू कर देता है और फिर जॉर्डन एक जॉन नाम के आदमी को पेनी स्टॉक्स के बड़े आउटपुट का फायदा बताकर उससे $4,000 के शेयर खरीदवा देता है। और अब ऐसे ही बहुत सारे लोगों को अपनी बातों में फंसाने के स्किल्स का यूज कर लोगों को बहुत सारे शेयर्स बेचकर खूब पैसा कमाने लगता है जिससे उसने एक येलो कलर की जैगुआर कार भी ले ली होती है। अपने अच्छे दिन आने पर जब एक दिन जॉर्डन एक कैफे में जाता है तो उसे वहां पर अपनी ही बिल्डिंग में रहने वाला डॉनी नाम का एक आदमी मिलता है जो उसे पहचान लेता है और उसकी कार देखकर उसे पूछता है कि वो क्या काम करता है। जॉर्डन उसे अपने स्टॉक ब्रोकर होने का बताता है। डॉनी को उसकी इस बात पर विश्वास नहीं होता इसलिए वो उससे उसकी पिछले महीने की इनकम पूछता है। जॉर्डन उसे $72,000 बोलता है। डॉनी को उस पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था तो वो जॉर्डन से प्रूफ मांगता है और कहता है कि अगर ये सच हुआ तो वो अपनी नौकरी छोड़ देगा जिसमें वो फर्नीचर बेचने का काम करता है। इस पर जॉर्डन उसे अपने पैसों की स्लिप दिखाता है जिसे देखते हुए डॉनी अपने बॉस को कॉल कर अपनी नौकरी छोड़ देता है और कुछ दिन में ही वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं जो साथ में हर नशा करते हैं।
और जॉर्डन डॉनी को स्टॉक ब्रोकर की ही नौकरी दिलाकर उसको काम सिखा देता है। कुछ समय बाद दोनों दोस्त एक छोटे से गैराज को रेंट पर लेकर अपनी खुद की स्टॉक ब्रोकर फर्म स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए वो अपने आसपास के ही लोगों को पकड़ते हैं जो ड्रग और वीड स्मगलर होते हैं, जिन्हें सेल्स की काफी अच्छी नॉलेज होती है। बातों बातों में जॉर्डन एक आदमी को एक पेन बेचने को बोलता है, पर वो आदमी बहाना बना देता है। फिर जॉर्डन ब्रैड नाम के ड्रग डीलर को ये पेन बेचने को बोलता है। ब्रैड जॉर्डन को उसका नाम एक पेपर पर लिखने को बोलता है, पर जॉर्डन कहता है कि उसके पास पेन नहीं है। तभी ब्रैड उसे पेन खरीदने को बोलता है, जिसे देखकर जॉर्डन काफी खुश हो जाता है। वहाँ बैठे लोगों को कुछ समझ नहीं आता, पर जॉर्डन उन्हें समझाता है कि किसी को भी कोई चीज बेचने से पहले सामने वाले के दिमाग में उस चीज की डिमांड क्रिएट करो, जिसके बाद तुम उसे वो चीज सप्लाई कर दो, जिसे मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड कहा जाता है। और इस बात को उन्हें अगर वो स्टॉक मार्केट में यूज करें तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, जिससे यहाँ बैठे सभी लोग अमीर बन जाएंगे। उसकी इन बातों पर विश्वास कर ये लोग उसके साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। और कुछ ही दिनों में जॉर्डन बहुत से लोगों को इकट्ठा कर डॉनी के साथ अपनी फर्म खोल लेता है। कुछ समय तक तो ये लोग छोटे छोटे लोगों को घटिया शेयर्स बेचकर पैसा कमा रहे थे, क्योंकि जॉर्डन और डॉनी को छोड़कर किसी को भी एक रियल और बड़े बिजनेसमैन से बात करना नहीं आता था। इसलिए जॉर्डन ने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी फर्म को स्ट्रैटन ओकमोंट नाम दिया, जिस नाम को हमने मूवी के शुरू में देखा था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये लोग छोटे छोटे शेयर्स बेचकर थक चुके थे, इसलिए अपनी टीम को सेल सिखाने के लिए वो इनकी बड़े बड़े बिजनेसमैन से बात कराता है और उन्हें स्टॉक बेचना सिखाता है, जिससे ये लोग कम दाम के स्टॉक्स को ज्यादा भाव में बड़े बड़े बिजनेसमैन को बेचते हैं, जिससे बचा हुआ प्रॉफिट और कमीशन उनका ही होता है और उनके क्लाइंट का नुकसान होता है। धीरे धीरे ऐसा करते हुए जॉर्डन अपने साथियों की मदद से एक छोटी सी फर्म को एक बहुत बड़ी कंपनी बना देता है, जिसमें हजारों लोग और ऐड हो जाते हैं। और फिर ये सब लोग एक साथ स्कैम कर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और हर हफ्ते जॉर्डन अपने लोगों के लिए पार्टी रखता है, जिसमें ड्रग्स और बहुत सारी लड़कियां भी शामिल होती हैं। तभी एक दिन फोर्ब्स के लोग उसका इंटरव्यू लेकर उसके बारे में अपनी मैगजीन में छाप देते हैं, जिसमें उसके बिजनेस के ऊपर बहुत कुछ लिखा होता है, जिससे जॉर्डन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है और बहुत सारे लोगों को उसके बारे में मालूम पड़ जाता है। और तो और उसके ऑफिस में बहुत सारे लोग जॉब के लिए भी आने लगते हैं। फिर जॉर्डन दया दिखाते हुए उनमें से स्किल्ड लोगों को हायर कर उनकी जिंदगी संवारने का काम चालू कर देता है। और अब गवर्नमेंट को भी जॉर्डन के इस स्कैम के बारे में पता चल जाता है, इसलिए गवर्नमेंट को जॉर्डन की जांच के लिए इन्वेस्टिगेटर पैट्रिक को हायर करती है। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है और एक दिन जॉर्डन के डैड मैक्स उससे मिलने आते हैं, जो उसे अपने खर्चे कम करने को कहते हैं, क्योंकि जॉर्डन अपने दोस्त और एम्प्लॉइज पर उनको नशा और लड़कियां दिलाकर खूब पैसा उड़ा रहा था, जिसके बिल्स को मैक्स ने देख लिया था और वो उसे समझाने आ गए। जॉर्डन के डैड इस स्कैम को बंद करने के लिए बोलते हैं, पर जॉर्डन अपने डैड से कहता है कि वो चाहता है उसके साथ उसके दोस्त और एम्प्लॉइज भी अय्याशी करें। इस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें अब संभलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा और ज्यादा करने पर उनकी जिंदगी पतों की तरह बिखर जाएगी। अगले दिन जॉर्डन अपने एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी वर्ल्ड वाइड फैलाने के लिए अपने बीच हाउस पर पार्टी देता है, जहाँ पर एक मॉडल नाओमी अपने बॉयफ्रेंड ग्लेयर के साथ आई होती है, जिसे एक बार में ही देखकर जॉर्डन उसे पटाने लगता है, जिसे दूर खड़ी उसकी और डेनी की वाइफ देख रही होती है। नाओमी को भी जॉर्डन पसंद आ जाता है और अगले दिन की शाम को ही दोनों डेट पर चले जाते हैं। डिनर के बाद जॉर्डन उसे अपनी सुप्रा में उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर नाओमी उसे अपने घर में बुलाती है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जिसमें उसकी वाइफ उसको कॉल कर डिस्टर्ब कर देती है, लेकिन जॉर्डन उसे इग्नोर कर अपने काम में लगा रहता है। दोनों दिन भर साथ में टाइम बिताते हैं, लेकिन एक दिन कार में उसको टेरेसा पकड़कर खूब मारती है। उसके बाद टेरेसा उसको डिवोर्स देकर चली जाती है, जिससे जॉर्डन को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो नाओमी को अपने घर पर रख लेता है। नाओमी उसके घर को अच्छे से डेकोरेट कर देती है, जिससे जॉर्डन बहुत खुश हो जाता है। और कुछ दिनों में जॉर्डन ब्रांड के नाम से स्टॉक्स खरीदता है और खुद से स्टॉक्स का रेट बढ़ाकर स्टॉक्स बेचकर उनसे प्रॉफिट निकालकर स्टॉक मार्केट में काफी हेरा फेरी करने लगता है। ऐसी बहुत सारी तरह तरह की हेरा फेरी और स्कैम करते हुए जॉर्डन खूब सारा पैसा कमाने लगता है, जिसके बाद उन्हीं पैसों से रिंग खरीद कर नाओमी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। नाओमी भी शादी के लिए हाँ कह देती है। और शादी के पहले जॉर्डन अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी मनाता है, जिसमें ड्रग्स, वीड और भी कई तरह के नशों और खूब सारी लड़कियों के साथ अय्याशी करता है। फिर कुछ दिनों में जॉर्डन नाओमी से शादी कर उसे एक बड़ी सी यॉट और एक आइलैंड पर खरीदे हुए अपने मेंशन को उसे गिफ्ट करता है, जहाँ पर वो रहने लगते हैं। अब हमें 1.5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें अब तक उन दोनों की 1.5 साल की बेटी भी है। जब जॉर्डन सो रहा होता है तो उसे नाओमी पानी डाल के उठाती है और उससे एक लड़की का नाम पूछती है, जिससे जॉर्डन का नाओमी के बाद भी अफेयर चल रहा था। नाओमी को इस बारे में तब पता चलता है जब वो उस लड़की से मिलकर रात को एक हेलीकॉप्टर से घर में आया था। वहीं दूसरी तरफ हमें जॉर्डन के ऑफिस को दिखाया जाता है और उसी दिन जॉर्डन अपनी कंपनी से एक जूते बनाने वाली कंपनी के मालिक स्टीव
स्टीव से टाई अप कर उसके 85% शेयर्स को उसकी सराहना करते हुए अपना बनाकर बेचने वाला है, जिसे स्टॉक मार्केट में आईपीओ भी कहा जाता है। आईपीओ निकालने वाले दिन का जॉर्डन और उसके पार्टनर्स को महीनों से इंतजार था, क्योंकि अगर उनका ये प्लान सफल रहा तो उनके पास करोड़ों डॉलर्स आ जाएंगे। इस दिन जॉर्डन अपने लोगों को अमीरी के सपने दिखाकर और उनमें पैसों का ईगो भरकर उन्हें आम जनता को कॉल कर स्टीव के शूज खरीदने को बोलता है, जिससे स्टीव के जूते बिकेंगे और उसकी कंपनी के स्टॉक रेट्स बढ़ेंगे। फिर जॉर्डन स्टीव की कंपनी के खरीदे हुए शेयर्स को बाजार में उतार कर उनसे खूब पैसे कमाएगा, जिसके बाद उसके सारे कर्मचारी अमीर बनने का सपना देखते हुए लोगों को कॉल करना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे उसके खरीदे हुए एक शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है और वो इतना ज्यादा हो जाता है कि उन लोगों को 3 घंटे के अंदर $22 मिलियन का प्रॉफिट मिलता है, जो सीन काफी मजेदार होता है। और दूसरी तरफ जॉर्डन की इन्हीं हरकतों और स्टॉक मार्केट स्कैम पर ऑफिसर पैट्रिक काफी समय से नजर रखे हुए था और उसके साथ साथ FBI को भी पता चल जाता है। जॉर्डन को इन लोगों की जानकारी उसकी शादी के फोटोग्राफर से मिलती है, जिससे पैट्रिक ने उसकी शादी की वीडियो और फोटो मांगी थी। और अब जॉर्डन पैट्रिक से मिलने के लिए उसे अपनी यॉट में बुलाता है और उससे पूछता है कि उसकी कंपनी पर ये जांच क्यों हो रही है। पैट्रिक उसे उसके स्कैम के बारे में बताता है, जिससे जॉर्डन उसे घूस देने की कोशिश करता है कि वो उसे खुद स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए गाइड करेगा। पैट्रिक उसे हंसते हुए मना कर देता है, क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। जिसके बाद जॉर्डन उसे यॉट में नोटों की गड्डी दिखाते हुए भगा देता है कि ये तुम्हारे साल भर की कमाई है, जिन्हें मैं कुछ सेकंड्स में उड़ा सकता हूँ। उनके जाने के बाद हम जॉर्डन को डरा हुआ देख सकते हैं। इसके बाद वो नाओमी के साथ स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी करने लगता है, ताकि वो वहाँ के स्विस बैंक में अपना पैसा छुपा सके। और स्विट्जरलैंड जाने से पहले जॉर्डन अपने ऑफिस में जाकर थोड़ा और पैसा बनाता है और अब जॉर्डन स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचकर वो लोग स्विस बैंक के एक वकील से बात करते हैं, जिसकी बात मानकर जॉर्डन स्विस बैंक में खाता खोलने के लिए किसी रिश्तेदार को ढूंढने लगता है, जिसके नाम से वो लोग अपना काला पैसा जमा कर सकें। इसलिए किसी रिश्तेदार को ही ढूंढते हुए वो नाओमी की आंट एमा के पास जाकर उनसे बात कर स्विस बैंक में खाता खुलवा कर ब्रैड की मदद से $20 मिलियन स्विस बैंक में डलवा देता है। वहीं डॉनी जब ब्रैड को पैसा जमा करवाने के लिए उससे मिलने जाता है, तो उनमें किसी बात को लेकर कहा सुनी होने लगती है, जिसे वहाँ पर खड़ी पुलिस भी देख रही होती है। और उसी हाथापाई में डॉनी से उसका पैसों से भरा बैग गिर जाता है, जिससे पुलिस वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं और डॉनी फटाफट से अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर ब्रैड को पुलिस वाले बहुत सारे पैसों के साथ गिरफ्तार कर लेते हैं। इस घटना के कारण डॉनी घबरा जाता है, इसलिए खुद की घबराहट शांत करने के लिए वो जॉर्डन के साथ एक बहुत रेयर नशीला ड्रग लेने लगता है। लेकिन ड्रग के एक्सपायर होने के कारण उन्हें नशा नहीं होता। तभी जॉर्डन के पास उसके ही हायर किए हुए प्राइवेट डिटेक्टिव का कॉल आता है, जो उसे किसी फोन बूथ से बात करने को बोलता है। जब जॉर्डन उससे बात करता है, तो उसका इन्वेस्टिगेटर उसे बताता है कि FBI वाले उसके कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ब्रैड उनकी गिरफ्त में चला गया है, जिससे जॉर्डन को डॉनी पर गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी उससे बात करते करते जॉर्डन को डॉनी की लाई हुई ड्रग का असर होने लगता है, जिससे वो नशे में रेंगते हुए अपनी कार तक जाने लगता है। लेकिन उसका पैर उसकी कार के हैंडल में फंस जाता है, जो सीन काफी मजेदार होता है। तभी उसे नाओमी का फोन आता है, जो उसे बता रही होती है कि डॉनी नशे में किसी स्विस आदमी से बात कर रहा है, जिसकी बदौलत उन्हें स्विस बैंक में खाता खुलवाया होता है। ये सुनकर जॉर्डन धीरे धीरे अपनी कार को बिना कहीं ठोके घर तक पहुंचता है और डॉनी से फोन छीनने लगता है। उसे ऐसा करते देख उसकी बच्ची डर जाती है और जॉर्डन डॉनी से नशे की हालत में ही ब्रैड की बात पर उससे लड़ने लगता है। और लड़ाई करने के बाद जॉर्डन सोने चला जाता है। जब अगले दिन उसकी नींद खुलती है, तो वो अपने सामने दो पुलिस वालों को देखता है। ये लोग उसे कल रात को, जब वो नशे की हालत में कार चला रहा था जिसमें उसने बहुत तोड़फोड़ करी, उसके लिए उसे लेने आए थे। जब वो बाहर आता है, तो अपनी कार को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसकी सुप्रा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसे देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि उसने कैसी कार चलाई होगी, क्योंकि नशे की हालत में उसे लग रहा था कि उसने गाड़ी सही चलाई, लेकिन वास्तविकता में बहुत बेकार। और अब जॉर्डन वहाँ से भी छूट जाता है, क्योंकि पुलिस वालों के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता और ब्रैड भी 3 महीनों की जेल की सजा काटकर वापस आ जाता है। ये जॉर्डन के लिए खुशखबरी इसलिए थी क्योंकि उसने डॉनी का नाम नहीं लिया। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट उस पर बहुत ध्यान रख रही होती है, जिस वजह से उसका क्राइम डिपार्टमेंट का एक दोस्त और उसके डैड मैक्स उसे समझाते हैं कि अगर वो स्टॉक मार्केट में घोटाले पर जुर्माना भरकर कंपनी से इस्तीफा दे दे, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और बाकी की जिंदगी आराम से काट सकेगा। इसलिए जॉर्डन डॉनी को अपनी सीट देकर कंपनी से इस्तीफा देने लगता है। उसके ऐसा करने पर उसके साथी और एम्प्लॉइज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जॉर्डन उनकी लाइफ के सबसे खराब हिस्से में सही रास्ता था, जिसने उन पर भरोसा कर उनको जॉब देकर उनकी मदद करी थी। लेकिन उसी वक्त वो सभी को सरप्राइज कर देता है कि वो ये कंपनी छोड़कर
नहीं जाएगा क्योंकि वो गवर्नमेंट के सामने झुक नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन ब्रैड के जेल से बाहर आने के बाद उसके लिए पार्टी रखता है। जॉर्डन के गवर्नमेंट की डील ठुकराने पर अब पैट्रिक उसके पीछे फिर से पड़ गया होता है और अब वो उसको कंपनी के हर पेपर दिखाने के लिए नोटिस भेजना चालू कर देता है। फिर गवर्नमेंट अपने 3 एजेंट से जॉर्डन और उसके साथी स्टीव की कंपनी के आईपीओ के बारे में पूछताछ करने लगती है, लेकिन जॉर्डन का साथ देते हुए किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला, जिस पर गवर्नमेंट उसे देश न छोड़ने का बोलकर उसे जाने देती है। थोड़े दिन बाद जब जॉर्डन और डॉनी अपनी यॉट पर बैठे होते हैं तभी उसके पास नाओमी आती है जो उसे बताती है कि उसकी आंट एमा मर चुकी है, जिसे सुनकर जॉर्डन शॉक हो जाता है, जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसके 2 करोड़ डॉलर उस खाते में पड़े थे। इसलिए वो अपने स्विस एजेंट को कॉल लगाता है जो उसको जल्दी से उसके पास आने को बोलता है ताकि वो आंट एमा की साइन कॉपी कर जॉर्डन को उसका वारिस बना दे। अपने कैप्टन को बुलाकर जॉर्डन स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक तूफान आता है और उसी में उसकी यॉट में पानी भरने लगता है। तभी एक बहुत बड़ी लहर आती है जो यॉट को टक्कर मारकर तोड़ देती है, जिससे उनको बचाने इटालियन नेवी वहां पर आ जाती है। उनको बचाने के बाद जब जॉर्डन अपने एक प्लेन को उन्हें लेने बुलाता है तो वो भी पानी में क्रैश कर जाता है, जिससे जॉर्डन की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर जाता है। अगले ही दिन जॉर्डन और उसके पार्टनर्स को एक एक करके FBI पकड़ लेती है और कोर्ट उसे जमानत के लिए उस पर $10 मिलियन का जुर्माना लगाती है। कुछ दिनों बाद जॉर्डन से डॉनी मिलने आता है और उससे उसके हाल चाल पूछता है। इस पर जॉर्डन उसे बताता है कि उसे वकीलों की फीस और पेनल्टी भरने के लिए घर को गिरवी रखना पड़ रहा है। इस पर डॉनी उसे पैसों की चिंता नहीं करने को बोलता है और अब जॉर्डन अपने वकील के साथ गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलता है जो उसे उसके किए हुए स्कैम की सजा बताते हैं, जिसमें उसे 20 सालों की सजा होगी, जिसके बाद वो ऑफिसर से डील करने को बोलते हैं, जहां ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि अब तक तुम्हारी जिसने भी मदद की उनका नाम बता दो, जिससे तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। इस विषय पर जॉर्डन नाओमी से पूछता है कि उसे अपने दोस्तों के खिलाफ जाना चाहिए या नहीं, पर नाओमी उसका साथ नहीं देती और उससे डिवोर्स मांगती है और अपने बच्चों की कस्टडी अपने पास रखने को बोलती है, जिससे जॉर्डन को एक और झटका लगता है। लड़ाई में दोनों एक दूसरे पर हाथ उठा देते हैं। फिर जॉर्डन ड्रग्स लेकर अपनी बच्ची को नाओमी से छुड़वा कर उसके साथ अपनी कार में बैठ जाता है और वहां से निकलने के लिए जब अपनी कार रिवर्स मारता है तो नाओमी अपनी बच्ची के लिए गेट लॉक कर देती है, जिससे कार बड़ी तेजी से गेट को तोड़ते हुए एक बड़े से पिलर में टकरा जाती है और इस हादसे में दोनों बाप बेटी घायल हो जाते हैं। नाओमी अपनी बच्ची को वहां से ले जाती है। अगले दिन गवर्नमेंट के एजेंट उसके चेस्ट पर एक माइक लगा देते हैं ताकि वो उस पर और उसकी बातों पर नजर रख सकें। इस बार उसने गवर्नमेंट की डील को स्वीकार कर लिया, जिसमें वो उनको अपने लोगों के नाम देकर और गवर्नमेंट का गवाह बनकर अपनी सजा कम करा लेगा। जॉर्डन इस बारे में डॉनी को भी एक पेपर पर लिखकर बताता है, क्योंकि उसे ऑफिसर्स ने इस बारे में किसी को बताने के लिए मना किया होता है। और अब अगले दिन वो सोकर उठता है तो उसको लेने कुछ ऑफिसर्स आए होते हैं जो उसको जेल ले जाने के लिए आते हैं, क्योंकि इन ऑफिसर्स को डॉनी के लिए लिखे हुए पेपर के बारे में पता चल गया था। उसी दिन FBI वाले जॉर्डन के ऑफिस में जाकर छापा मार देते हैं। डॉनी को इस बारे में पता चल गया था, इसलिए वो अपने कंप्यूटर से जरूरी फाइल्स हटा रहा था। जॉर्डन ने जिन जिन लोगों का नाम बताया होता है FBI वाले उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और कोर्ट में गवर्नमेंट का साथ देने के लिए उसे सिर्फ 3 साल के लिए नेवाडा की जेल में बंद करने का आदेश देती है, जिससे उसके माँ बाप को काफी बुरा लगता है। फिर उसे पुलिस वाले जेल ले जाते हैं जहाँ वो अपनी जिंदगी के 3 साल जेल में काटेगा। मूवी के एंड में जॉर्डन जेल से बाहर आ गया होता है और एक सेमिनार में बैठे लोगों से उसको पेन बेचने को कहता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उसे आखिर में याद आता है कि उसे उसके डैड ने कहा था कि अगर वो ऐसा करता रहा तो एक दिन उसका बनाया हुआ साम्राज्य पत्तों के ढेर की तरह बिखर जाएगा। इस कहानी में हमें ये समझ आता है कि जो जॉर्डन गरीबी से उठकर एक अमीर इंसान बन गया था, वो अपनी एक गलती के कारण ही वहीं पर आ गया जहां से उसने शुरू किया होता है। वो चाहता तो अपने दोस्त और बाप के कहने पर अपना काम वहीं रोककर जिंदगी बड़े आराम से जीता, लेकिन पैसों की भूख किसी को भी गिरा सकती है। जैसे जैसे भूख बढ़ती गई वो गलतियां करता चला गया, जिसमें उसने अपनी वाइफ टेरेसा को धोखा देकर एक लॉयल पार्टनर को खोया, जिसने उसका साथ उसकी लाइफ के बुरे फेज में दिया होता है। पर नाओमी, जिसकी वजह से उसने एक लॉयल पार्टनर खोया, पर उसने उसका साथ बुरे समय में नहीं दिया, जिससे उसे जेल जाना पड़ा। उसके डैड मैक्स ने उससे सही कहा था कि अगर वो नहीं रुका तो उसकी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, और जॉर्डन के साथ वैसा ही हुआ। तो इसी के साथ ये अमेजिंग कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपके अपने चैनल फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।